अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव की मतगणना जारी है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बाइडेन ने बड़ी बढ़त बना ली है, वहीं ट्रंप ने मतगणना में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की नौबत आ गई है। इस बीच नतीजों को लेकर हिंसा की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिशिगन में वोटों की गिनती रोकने के लिए अदालत पहुंच गए हैं। ये जानकारी ट्रंप के प्रबंधक बिल स्टीफन ने शुक्रवार को दी। उन्होंने बताया कि ट्रंप ने मिशिगन में वोटों की गणना रोकने के लिए अदालत में अपील की है। उन्होंने कहा, हमने सही तरीके से मतगणना सुनिश्चित नहीं होने तक वोटों की गिनती रोकने के लिए मिशिगन की अदालत में अपील दायर की है। हमने खोले गए तथा गिने हुए मतपत्रों की समीक्षा करने की मांग की है, क्योंकि हमें ये सही नहीं लगते हैं। ट्रंप ने बुधवार रात को घोषणा की कि वो मतगणना पर विवाद की वजह से अदालत का रुख करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान के 3 दिन बाद पेंसिल्वेनिया में मतपत्रों की गिनती के खिलाफ ट्रंप कोर्ट गए हैं। इसके अलावा भी ट्रंप ने कई अन्य राज्यों में गिनती के खिलाफ कोर्ट का रुख किया है। यही नहीं, ट्रंप ने विस्कॉसिन में दोबारा मतगणना कराए जाने की भी गुजारिश की है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाइडेन ने विस्कॉसिन में जीत दर्ज कर ली है। बाइडेन ने ट्रंप से एक और राज्य छीन लिया है, उन्होंने मिशिगन में जीत हासिल की है। बाइडेन ने एक बार फिर कहा कि वो विजेता बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ हमारी अकेले की जीत नहीं होगी, ये जीत अमेरिकी लोगों की होगी, हमारे लोकतंत्र की होगी, अमेरिका की होगी। वोटों की गिनती में अभी और समय लग सकता है, क्योंकि लाखों मेल मतपत्रों की गिनती अभी भी की जा रही है और इसे पूरा होने में समय लगेगा। अभी भी 9 राज्य ऐसे हैं जहां वोटों की गिनती जारी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके कोई भी सुझाव या प्रश्न हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।